बिहार के गोपालगंज जिले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां शादी से पहले ही एक युवक ने अपनी होने वाली पत्नी का रेप किया, फिर चाकू से गला रेतकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या भी कर दी। बता दें कि दोनों की शादी दिसंबर 2024 में होने वाली थी। कुछ महीने पहले ही दोनों की सगाई भी हुई थी। दोनों हमेशा फोन पर बातचीत भी करती थी। इसी बीच कई दिनों से लड़की का कॉल वेटिंग आने लगा। तभी आरोपी युवक को शक हुआ। उसे लगा कि उसकी होने वाली पत्नी किसी दूसरे लड़के से कॉल पर बातचीत करती है। शक के आधार पर वह गुस्सा हो गया और उसने अपनी होने वाली पत्नी को मिलने के बहाने एक बगीचे में बुलाया। लड़की जैसे ही अपने होने वाले पति के बताए हुए जगह पर पहुंची, युवक ने सबसे पहले अपनी होने वाली पत्नी का वहां रेप किया, फिर चाकू से गला रेतकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। आपको बता दें कि घटना गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव की है। पुलिस ने आज इस पूरे मामले का खुलासा भी कर दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने सभी बातें आज कबूल की हैं। उसको गिरफ्तार कर आज जेल भी भेज दिया गया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान बिशंबरपुर थाना क्षेत्र की टोला सिपाया गांव निवासी दयानंद यादव के 24 वर्षीय बेटी गुड्डू यादव के रूप में की गई है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं सदर SDPO प्रांजल ने बताया कि 27 अप्रैल 2024 को गोपालपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा में एक युवती का शव बरामद किया गया था। बरामद शव की पहचान गोपालपुर थाना क्षेत्र की रतनपुरा गांव निवासी नंदलाल यादव की 18 वर्षीय बेटी पिंकी कुमारी के रूप में की गई थी, जिसके बाद तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए घटना के मुख्य अभियुक्त गुड्डू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गुड्डू पेशे से राजमिस्त्री का काम करता है, जो मालदीव में रहता था। 29 मार्च को अपने घर आया हुआ था और 5 मई को पंजाब जाने वाला ही था। आरोपी गुड्डू 26 अप्रैल को अपने मंगेतर से मिलने के लिए उसके गांव गया और फोन कर उसे बुलाया। इस दौरान उसके साथ रेप भी किया। वहीं 27 अप्रैल को युवती का शव उसके घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर बरामद किया गया। आपको बता दें कि सदर SDPO प्रांजल त्रिपाठी ने बताया कि बीते 26 अप्रैल की रात गोपालपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव निवासी नंदलाल यादव की पुत्री पिंकी कुमारी की घर से बुलाकर हत्या कर दी गई थी। शनिवार को रतनपुरा गांव के बगीचे में उसका शव मिला था। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन भी शुरू कर दी थी। वहीं FSL की टीम को बुलाकर घटनास्थल की भी जाँच करवाई गई थी। उसके बाद पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही थी। जांच के क्रम में पिंकी और उसके मंगेतर से बातचीत का जब कॉल डिटेल्स निकाला गया, तो पता चला कि घटना वाले दिन युवक ने पिंकी को फोन कर उसे एक बगीचे में मिलने के लिए बुलाया हुआ था। पिंकी उसके बातों में आ गई और उससे मिलने के लिए उसके बताए हुए जगह पर चली गई। उसे क्या मालूम था कि उसका होने वाला पति ही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। वहां जाने के बाद उसका होने वाला पति ही उसकी हत्या कर देगा। पिंकी जैसे ही बगीचे के पास पहुंची कि तभी युवक पहले तो पिंकी का रेप किया। रेप करने के बाद चाकू से गला रेतकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या भी कर दी। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस की छापेमारी में आरोपी गुड्डू यादव को बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पिंकी कुमारी की शादी दयानंद यादव के पुत्र गुड्डू यादव से तय हुई थी। दोनों की सगाई होने के बाद शादी के लिए तिथि निर्धारित करने का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान पिंकी और गुड्डू आपस में बातचीत भी करते थे। गुड्डू कुमार यादव जब भी अपनी होने वाली पत्नी पिंकी कुमारी को फोन लगाता, तो पिंकी कुमारी का फोन हमेशा कॉल वेटिंग जाता था। हमेशा पिंकी कुमारी का फोन कॉल वेटिंग जाने की वजह से गुड्डू को शक हो गया और उसे लगा कि उसकी होने वाली पत्नी पिंकी किसी और लड़के से बातचीत करती है। फिर क्या, गुड्डू यादव अपनी ही मंगेतर की कत्ल की साजिश रचने लगा और 26 अप्रैल को फोन कर उसे धोखे से रतनपुरा गांव के पास एक बगीचे में बुला लिया। पिंकी बगीचे के पास जैसे ही पहुंची, गुड्डू यादव पहले तो अपनी होने वाली पत्नी पिंकी का रेप किया, फिर चाकू से गला रेतकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पुलिस ने जब आरोपी गुड्डू यादव से इस घटना की पूरी सच्चाई जानने की कोशिश की,
तो गुड्डू यादव ने पुलिस को सब कुछ सही सही बता दिया। गुड्डू यादव ने पुलिस से कहा कि कुछ महीने पहले हम दोनों की सगाई हुई थी, कुछ महीने बाद हम दोनों की शादी भी होने वाली थी। मैं जब भी अपनी होने वाली पत्नी पिंकी कुमारी को कॉल लगाता था तो हमेशा उसका कॉल वेटिंग बताता था। जब मुझे शक होता था तो मैं उससे पूछता था कि तुम किससे बात कर रही थी, तो वह कुछ ना कुछ बहाना बना देती थी। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन मुझे शक हुआ कि शायद मुझे ये धोखा दे रही है। ये किसी दूसरे लड़के से भी कॉल पर बात करती है, इसका किसी दूसरे लड़के से अफेयर चलता है। मुझे जब शक हुआ और मुझे गुस्सा आ गया, मैंने अपनी होने वाली पत्नी यानी पिंकी कुमारी को बहाना बनाकर एक बगीचे में मिलने के लिए बुलाया। वहाँ पहले उसका रेप किया और उसकी गला रेत कर हत्या भी कर दी। एक महिला का शव बरामद हुआ था, जिसमें त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने कुछ टेक्निकल एविडेंसेस भी गैदर किया तथा मानवीय सूचना भी संकलन किया। इसमें थानाध्यक्ष गोपालपुर द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है, जिसमें वो महिला को उसके प्रेमी ने ही मारा था और मारने के पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। फॉरेंसिक टीम को भी बुला के उसका हम लोगों ने उसमें साक्ष्य एकत्रित किया है और इसके अन्य तकनीकी चीज़ों पर भी अनुसंधान किया गया, जिसमें कि ये पाया गया कि ये बहुत ही किसी अन्य लड़कों से भी जब बात किया करती थी तो इसको बहुत दिक्कत होता था। उसी में जलन के द्वेष के भावना से आके इसने उसको चाकू मारा और हम लोगों ने इसमें चाकू भी बरामद किया गया है।